आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं फ़हीम अहमद, जो कि भागवा के रहने वाले हैं। काफ़ी सारे मसाइल इनके इलाके में है, इनकी पंचायत में है, इनकी ब्लॉक में है, जिन मसाइल को लेके आज ये हमारे पास आए हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे आखिर किस तरह के मसाइल इनके इलाके में हैं। सर, सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम फ़हीम है। मैं पंचायत बजारनी का रहने वाला हूँ। ब्लॉक हमारा भागवा पड़ता है। सर फ़हीम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसे कौन से मसाइल आपके इलाके में हैं, जिन मसाइल को लेके आज आप हमारे पास आए? सर, मसाइल ये हैं कि हम पिछले 7-8 सालों से देख रहे हैं कि जो भी सरपंच, वेलडब्ल्यू और जीआरएस हैं, वो प्लान रखते हैं, लेकिन खाली कागज़ों में ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है। जितनी बार भी हम उनके पास गए कि हमारे जो मसाइल हैं वो हल कीजिए, वो कहते हैं कि पीछे से हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, हम कहाँ से आपका मसला हल करेंगे। जो PMY मकान हैं, बाकी चीज़ें हैं और जो नरेगा का काम है, लोगों को वो काम दिया ही नहीं गया। तो लेकिन कागज़ों में उन्होंने 30-30, 40-40 लाख रुपए का बिल निकाल के हमारी पंचायत में, उन्होंने 6 नंबर वार्ड और 7 नंबर वार्ड में 2 बंदे रखे हुए हैं उनके एजेंट। एक का नाम है राजू सिंह, एक का नाम है मंजूर अहमद सनत जब्बार अहमद। यानी आपका ये कहना है कि जो आपके सरपंच वगैरह हैं, सरपंच और वेलडब्ल्यू और जीआरएस, तो जीआरएस है, वेलडब्ल्यू है, उन सारी की सब की जो है मिली भगत है कि मिली भगत है, मिली भगत जो है एक ही सेम रखे हुए हैं। सेम दोनों। कितने सालों से ये सिस्टम वहाँ पे चल रहा है? ये 3 सालों से 2016, 17, 18, 19, 20 से हो रहा है। तो मैंने ये रिकॉर्ड निकाला हुआ है सर, अगर आपका कैमरामैन दिखा सकता है। ये आप देखिए कि दो नाम टोटल हैं 2018 से लेके 2019 और 2020। ये आप थोड़ा इधर दिखाया, एक मिनट आप थोड़ा इधर दिखाया, तो आप देख सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि ये बागवा और पंचायत बिरजिला लोअर ए है, ठीक है, ब्लॉक बागवा है ये। और इस बागवा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमें दिखने को मिल रहा है, जो भी वेंडर्स यहाँ पर हैं, ठीक है, राजू सिंह और मंजूर अहमद, हाँ जी ये दो हैं। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा, आप ये दिखा सकते हैं आपको कि इसमें दो ही नाम लिखे गए हैं जो पिछले चार साल से यही वेंडर्स यहाँ पर काम करें। जी हाँ, उसके अलावा आप क्या? उसके अलावा जो जीआरएस है, उन्होंने मेरे से, जीआरएस ने और वेलडब्ल्यू ने 1000 रुपये लिया मेरे से 3 महीने पहले की बात है। ये कहा कि आपको हम एक दीवार रखेंगे और एक मकान रखेंगे आपका। आपसे क्यों 1000 रुपये लिया? उन्होंने कहा कि हमें वीडियो को और डीसी साहब को कमीशन देनी पड़ती है उसके लिए, फिर वीडियो को और डीसी साहब को कमीशन देनी पड़ती इसके लिए। मैं एक मिनट व्यूअर्स, मैं आपको बता दूँ, ये जो शख्स हमारे साथ जुड़े हैं फ़हीम अहमद, इनका ये कहना है कि 1000 रुपये तो इनने दिया, लेकिन वो 1000 रुपये जो शायद सरपंच ने आपको ऐसा कहा है, वेलडब्ल्यू ने, अच्छा, वेलडब्ल्यू ने इनको कहा है कि वो हमें ब्लॉक अफसर को और डीसी साहब को कमीशन देना पड़ता है। जी, इसलिए मैं परसों सैटरडे को डीसी साहब के पास गया। मैंने डीसी साहब को कहा कि ऐसे ऐसे बात है, 3 महीने पहले की बात है। उन्होंने एक लेटर लिखा हुआ है वीडियो को कि 10 दिन के अंदर मुझे वो इंक्वायरी, इसकी इंक्वायरी करो। ये डीसी साहब का लेटर हुआ है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो पहले डीसी थे डायफोडे जी, उनकी बात है ये? अच्छा, उनकी बात। हाँ, उन्होंने कहा, क्योंकि 3 महीने पहले वही डीसी साहब थे, उन्होंने कहा कि हमें बीडीओ साहब को और डीसी साहब को कमीशन देनी पड़ती है। अगर आप 1000 रुपये दोगे तो आपका मकान चढ़ेगा, अगर नहीं दोगे तो नहीं। लेकिन 1000 रुपये देने के बाद भी नहीं चढ़ा, और जब से लेके जीआरएस को पास। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा कि कमीशन देने के लिए आप तैयार हो गए, यानी करप्ट आप उनको खुद ही बना। लेकिन सर, उन्होंने कहा ना कि हमें देनी पड़ती है। अच्छा अच्छा, तो सर हम उतना तो हमें पता नहीं इन चीज़ों का, क्योंकि हम मजदूर शख्स हैं, हम दिन लगाते हैं, शाम को खाते हैं। लेकिन हमारी पंचायत में इतना लगभग 30-40 लाख रुपए का खाली नरेगा का एक ही बंदे के अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, राजू सिंह। आपने इसकी RTI वगैरह डाली? RTI मैंने एक डाली है, एक मैंने 22 को डाली थी, एक मैंने परसों सैटरडे को डाली हुई है। अभी 14FC और बैक टू विलेज का जितना भी पैसा है, वो रिकॉर्ड जब निकलेगा उसमें भी करोड़ों का गबन किया हुआ इन्होंने। और सरपंच जो है, और वेलडब्ल्यू, सरपंच हमारे वहाँ, उनका नाम है मैडम है, लेकिन उनका वो संजू नाम है उसका, वो चलाते हैं आगे। हालांकि सरपंच भी इसमें मिला हुआ है, वेलडब्ल्यू भी मिला हुआ है, जीआरएस भी मिली हुई है, और मैंने एक कॉपी इसकी डीसी साहब को भी दी है, और एक इसकी कॉपी मैंने SSP क्राइम साहब को दी है। उनके ऑफिस वालों से मेरी बात हुई थी, और एक कॉपी मैं SSP साहब डोडा को दे रहा हूँ। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से तो ये अपील है। आपको कैसे लगा पिछले कुछ सालों से ये सारा जो सिस्टम जो है सारा? सर, जब इन्होंने, जब ग्राउंड लेवल पे कोई काम ही नहीं है, आज भी इन्होंने इजलास किया हुआ है, लोगों को बताया नहीं। अभी मेरी निमर से बात हुई थी, उसने कहा कि कोई भी इजलास, कोई कुछ नहीं, मैं फलानी जगह हूँ। और जो निमर है,
निमर भी इसमें मिला हुआ है, सरपंच भी इसमें मिला हुआ है, वेलडब्ल्यू भी मिला है, जीआरएस भी मिला हुआ है, तो इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं एसएसपी डोडा से भी अपील करना चाहता हूं कि जो इन दो नामों, जो ये दो बंदे इन्होंने एजेंट रखे हुए हैं, इनकी तो लगभग 4 सालों से यही एजेंट दो एजेंट हैं। तो उसके अलावा मैं आपके इलाके, अगर बागवा जो आपका ब्लॉक पड़ता है, ठीक है, उस इलाके की अगर हम बात करूँ तो कितने काम वगैरह अभी तक वहाँ पे हुए? सर, ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं है। आप यकीन करो कि मनरेगा का कोई किसी को कुछ नहीं मिला। आप देखो ना, 2016, 2017, 2018 और 2019 और 2020 सिर्फ दो बंदों के नाम पे सारे काम हैं, और चार बंदे हैं, ये देखो इनके जो जीआरएस के रिश्तेदार, वो चार और ये दो बंदे, इनके नाम पे पैसा वो डालते हैं। तो और लगभग आपने देखा ही होगा कितना पैसा जो है अभी ये लगभग कोई सर कोई 30-40 लाख रुपए है ये। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग हाँ इतना पैसा जो हमें यहाँ पर दिख रहा है आरटीआई में, जितना भी हमें ये तो खाली मनरेगा का है। अच्छा, 4 सालों का रिकॉर्ड, ठीक। अब 14FC का बकाया है, और इसका 14FC में कोई काम आपके इलाके में? सर कुछ नहीं, जीरो। दो टैक्सी स्टैंड उन्होंने बनाए हुए हैं, एक 41 में, एक बाजारनी में, कोई टैक्सी स्टैंड नहीं बना है। अच्छा, बाकी इन्होंने क्या किया कि हमारे 41 पंचायत में पाइपों के लिए पैसा, वो कागजों के तौर पर उन्होंने 3-4 लाख रुपये, 7 लाख 10 लाख 14FC की इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया उस पैसे का, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई नहीं, कुछ नहीं। इन्होंने 40 मतलब जो मकान, जिनको मकान मिलने चाहिए थे उनको मकान नहीं मिले, जिनको 50-50, 60-60 हज़ार रुपये पे है उनके फार्म इन्होंने आगे भेजे हुए हैं, उसका रिकॉर्ड भी मेरे पास पड़ा हुआ है। पीएमएवाई की जो आप बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हो, तो कितने लोगों को वहाँ पर अब घर प्रोवाइड हुआ है? सर सिर्फ दो लोगों को घर प्रोवाइड हुए हैं, बाकी ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। जिनको मिलने चाहिए थे, जिनको मकान मिले, वो 50-60 हज़ार रुपये एक बंदा पे लेता है, उन्हीं को दिए गए जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनको पैसा निकाल के दे रहे हैं। लेकिन जो ये राजू सिंह और मंजूर अहमद, ये जो दो बंदे हैं, ये ग्राम वेलडब्ल्यू और जीआरएस, उनके अकाउंट में पैसा डालते हैं, उन्हीं फैमिली के कार्डों पे भी पैसा डालता है, तो डाला जाता है। कि जितने लोग हैं किसी पे भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ सर, कुछ किसी का यूज नहीं किया गया? सर कुछ नहीं, खाली इन्हीं दो बंदों के, इन्हीं के फैमिली के जॉब कार्ड यूज किए जाते हैं। तो इन्हीं के मतलब कोई भी काम आपके इलाके में हुआ जो सरपंच के द्वारा किया गया, जीआरएस के द्वारा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ग्राउंड लेवल पे सिर्फ कागजों में है, ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं है। तो आप जब डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास, अभी जो प्रेजेंट डीसी विकास शर्मा जी यहाँ पर है, जब आप उनके पास गए तो क्या बातचीत आपकी? डीसी साहब ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, अगर इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने 10 दिन का टाइम बीडीओ साहब को दिया है कि 10 दिन में इसकी इंक्वायरी कीजिए। अब मैं 10 दिन के बाद फिर डीसी साहब के पास जाऊंगा। हम देखते हैं, हाँ मैंने एक आरटीआई और भी डाली है, उसमें मैंने 14FC का जिक्र किया है और बैक टू विलेज का जिक्र किया है, बाकी जितने भी फंड्स आते हैं इनके पास उनका जिक्र किया हुआ है। तो अब उसका रिकॉर्ड भी आएगा, फिर हम आपको अपडेट दिया करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं एक कॉपी गवर्नर साहब को भेज रहा हूँ, एक कॉपी में एसएसपी। उम्मीद क्या रखते हैं? बस मैं सरपंच से कोई बात हुई, मेरी सरपंच से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि आपका मसला हल करेंगे, और मैं बीडीओ ऑफिस जब गया, मुझे वेलडब्ल्यू ने कहा कि आप अपना 1000 रुपये वापस ले लीजिए। मैंने उसको कहा कि नहीं, आप 1000 रुपये मुझे डीसी साहब के सामने और बीडीओ साहब के सामने वापस देना। मैंने कहा तब तक मैं 1000 रुपये वापस नहीं लूँगा। और उसके बाद उसने कहा कि आप मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ। मैंने कहा आप वेलडब्ल्यू हो, हम भी इंसान हैं। लेकिन उन्होंने मेरे से बहुत बदतमीजी की। उसके बाद मैं डीसी साहब के पास जब गया, डीसी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहे, इसकी इंक्वायरी मैं खुद करवाऊंगा। तो उम्मीद क्या रखते हैं? अब उम्मीद में यही रखता हूं कि मेरी अपील यही एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस जो ये घोटाला है, जो ये स्कैम है, इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। गवर्नर साहब को भी एक इसकी जो कॉपी है वो भेज दी गई है, एक कॉपी हम एसएसपी साहब डोडा को दे देंगे, एक एसएसपी क्राइम को दे देंगे। उनसे भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जो जितना भी रिकॉर्ड है आप हमें ये डिटेल पूरी भेज दीजिए, उसके बाद हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। और दूसरी बात सर, और दूसरी बात यह है कि जब से जीआरएस बनी है तब से उसने लगभग कोई 50-60 लाख रुपए का मकान बनाया है। LIC में उसके बच्चों के अकाउंट हैं, उनमें 10-10, 12-12 हज़ार रुपये जो है किस्त जा रही है पर महीने, उसका भी चेक कीजिए। इनकी प्रॉपर्टी जब से ये नौकरी लगे हैं, इनकी पे कितनी है, इनकी प्रॉपर्टी कितनी, इसकी भी इंक्वायरी की जाए, होनी चाहिए। इसके उसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये हुआ मनरेगा, 14FC आवास योजना की आपने बातें की, लेकिन उसके अलावा हमें कंप्लेंट्स आ रही है गाँव से, हर गाँव से हमें कंप्लेंट आ रही है कि केरोसिन ऑयल सर, कि केरोसिन ऑयल का जो बहुत बड़ा मुद्दा अभी हमें देखने को मिला कि किसी भी गांव में डिपो तो बहुत सारे देखने को हमें मिलते हैं, लेकिन केरोसिन ऑयल जो है लोगों तक नहीं पहुंचा। सर आज तक कोई केरोसिन मेरे गांव में कोई नहीं, कभी नहीं। मैं 3-4 बार केरोसिन डिपो पे गया, मैंने उनको कहा तेल, उन्होंने कहा पीछे से तेल आ ही नहीं रहा है।
लेकिन लेकिन तेल की जहाँ तक बात की जाए तो हाल ही में कुछ टाइम पहले लगभग 72,000 लीटर जो है तेल यहाँ डोडा के लिए आता है और हर जगह जो है डिस्ट्रीब्यूट पर मंथ किया जाता है। लेकिन तो अभी तक की जो नई अपडेट है कि अभी जो एडी फूड नए आए हुए हैं तो उनका ये कहना है कि काफ़ी सारी धांधली हमें देखने को मिली जिसकी वजह से हमने तेल थोड़ा कम कर लिया क्योंकि जो TSOs वगैरह हैं वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनको नहीं दे रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि आपके इलाके में तेल की मतलब किस तरह से वहाँ पर क्या तेल आ रहा है, लोगों तक पहुँच रहा है या डिपो तक नहीं आ रहा है, तो क्या प्रॉपर आप हमें थोड़ा बताएं? सर वहाँ पे कोई तेल नहीं आ रहा है, सिर्फ कागज़ों में ये तेल दिखा रहे हैं, लोगों को कोई तेल नहीं मिल रहा है। आप वहाँ जा सकते हैं, मैं दो बार गया, मैंने आपको पहले भी कहा कि दो बार गया मैं, मैंने उनको पूछा कि हमें तेल क्यों नहीं मिल रहा, उन्होंने कहा कि पीछे से तेल नहीं आ रहा है, जब तेल आएगा आपको दे रहे हैं। 4-5 सालों से यही सुनने को आ रहा है, आजकल सर अब क्या है कि पानी हद से भी ज़्यादा वो मतलब सर से ऊपर निकल चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब इसकी इंक्वायरी हो जाए इसका जो ब्लॉक ऑफिसर हैं, क्योंकि सरपंच भी इसमें मिला हुआ है, ग्राम सेवक भी मिला हुआ है, WLW भी मिला हुआ है और ये दो लोग इन्होंने एजेंट बनाए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि ये हमारे वेंडर हैं। सर गवर्नमेंट का लॉ है कि जिसके पास खचरे होंगी, जिसके पास गाड़ी अपने नाम होगी, रजिस्टर्ड होगी, वही वेंडर रह सकता है। इनको मेरी तरह घर में रोटी खाने के लिए नहीं है, जो ये दो बंदे इन्होंने रखे हुए हैं अपने एजेंट, इनके अकाउंटों में पैसा जाता है। आपने अगर देखा होगा तो कितना सारा पैसा लग, ये सर ये लगभग डेढ़ करोड़ का ये फ्रॉड है। डेढ़ करोड़ का ये 14FC का इन्होंने खाली कागजों में काम रखा हुआ है और पैसा निकाल के और ये खा गए हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े हैं फरवान के शख्स जो ब्लॉक बागवा आता है, फहीम जी। तो क्या कहना है इनका कि 14FC की जहाँ तक बात की जाए, मनरेगा की जहाँ तक बात की जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना की जहाँ तक बात की जाए, तो कोई भी काम जो है इनके इलाके में नहीं हो रहा है, ये सब इनका वहाँ पर कहना है। उसके अलावा जो केरोसिन ऑयल की जहाँ तक बात की जाए कि डिपो तक तेल नहीं पहुँचता है, उस बारे में हम भी काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं लेकिन हमें भी कोई भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसकी नहीं मिली। और उसके अलावा आखिर में कोई आपका सर दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी मदर के नाम पर एक काम रखा, जब वो 2 लाख रुपये 1 लाख रुपये का काम रखा उन्होंने पहले, जब हमने एक बंदे को कहा कि आप ये दीवार दे के दे दो, लेकिन उन्होंने हमारे पूछने के बगैर ही जो ये मंजूर अहमद है उसके नाम पे पैसा डाला और उसकी फैमिली के जितने भी जॉब कार्ड हैं उनके अकाउंट में पैसा डाला, क्योंकि एजेंट यही है उनका, धांधली बहुत ज़्यादा, उसके अकाउंट में पैसा डाला। हमने कहा हमारी दीवार तो लगी नहीं, उसके नाम पे उन्होंने वो 1 लाख रुपये निकाल दिया। उसके बाद फिर मेरे पास सरपंच आया, WLW आया और GRS आया, उन्होंने कहा कि आपका 2 लाख रुपये का काम रखेंगे। फिर उन्होंने 2 लाख रुपये का काम रखा, फिर भी मंजूर अहमद के नाम पर ही उन्होंने, हमने अपने दूसरे किसी वेंडर मतलब एक मिस्त्री है वो मजदूर है उनको हमने लिख के दे दिया, लेकिन मेरी दीवार नहीं लगी, उसका भी पैसा उन्होंने निकाल के ले गए। हाँ मेरा खुद का, तभी तो मैंने ये रिकॉर्ड निकाला। ये देखो ना, ये रैमतुला है, ये देखिए, ये रैमतुला जो है ये इतना माजूर है सर, ये देखिए, ये इसके नाम पे हमने उसको लिख के दिया था जो मेरे नाम पे दो रिवर्स में। आपको मैं आपको बता दूं, जो हमें इस डाटा पे दिख रहा है, हमें यहाँ पर सिर्फ दो ही नाम हमें भी यहाँ पर दिखने को मिल रहे हैं, राजू सिंह और मंजूर अहमद, जिन पे अकाउंटों में पैसा जा रहा है। उसके अलावा किसी भी अकाउंट में यहाँ पर सर मैं आपको दिखाया आप ये देख लीजिए राजू सिंह, ये देखो पूरे काम 1 साल में इसी के नाम पे, राजू सिंह के नाम पे काम, ये देख लीजिए, यानी हर जगह राजू सिंह। ये देखो मंजूर अहमद, ये देखो मंजूर अहमद, राजू सिंह क्या, ये देखो, ये मैंने DC साहब को एप्लीकेशन दी थी जो इन्होंने 1,000 रुपये मुझसे लिया हुआ था। अगर आप आपका कैमरामैन मुझे दिखा सकता है, कोई नहीं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम दिखाएंगे, प्रॉपर दिखाएंगे आपको। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा धांधली जो है ब्लॉक बागवा के जो इनके इलाके हैं वहाँ पर, पंचायती जो इनकी वहाँ पर लोअर ए, कौन सी पंचायत है, पंचायत बिजारनी लोअर ए, वार्ड नंबर 6 बिजारनी के वार्ड नंबर 6, और भी बहुत सारी धांधली उस इलाके में है, इनका ये कहना है। लेकिन अब हम भी उम्मीद करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से कि इनके जितने भी मसाइल हैं उस पर प्रॉपर कार्रवाई की जाए और जो ब्लॉक के जितने भी अफसरान हैं उन पर प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन की जाए, आखिर इस इलाके में काम क्यों नहीं हो रहे हैं, और अगर काम हो रहे हैं तो ग्राउंड लेवल पर क्यों हमें देखने को नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम के चैनल से ये कहना चाहता हूँ, मैं SSP साहब डोडा को जो कि ऑनेस्ट आदमी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं जो इसकी एप्लीकेशन हमने SSP साहब को भेजी है उस पे कानूनी कार्रवाई की जाए, इन दोनों नामों को इनकी इंक्वायरी की जाए, और DC साहब से भी हमें उम्मीद है, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें मतलब ट्रीट किया, उन्होंने आश्वासन दिया हमें, और SSP साहब क्राइम से भी मेरी बात हुई थी ऑफिस वालों से, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं इसकी हम प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे, उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया है, 10 दिन के बाद हम आपको और अपडेट देते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि
क्या कहना था इनका, जो काफ़ी सारी दिक्कतें उन इलाकों में है, गाँवों के मसाइल जो है हमेशा से बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम वहाँ में कभी भी वहाँ पर दिखने को नहीं मिलता। मैं अब आपको दूसरी वीडियो भी भेजूंगा जिनके मतलब जिन लोगों को मकान मिलने चाहिए थे उनको नहीं मिले हैं, जिनको हम इस पर प्रॉपर कार्रवाई करेंगे, हम भी इनके इलाके में प्रॉपर एक विजिट करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह के काम जो है इनके इलाके में हुए हैं और वहाँ पर प्रॉपर एक मतलब हर तरह के, चाहे 14FC की बात की जाए, मनरेगा की बात की जाए, तो प्रॉपर हम भी उस चीज़ पर जो है थोड़ा ध्यान देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं अभी जो डिप्टी कमिश्नर डोडा है कि वो प्रॉपर जो है जो मसाइल इनके इलाके में है, जो कहना इनका है कि वहाँ पर इतनी दिक्कतें हमें आ रही है, तो वो भी थोड़ा इस पर संज्ञान ले और जो ऑफिसर्स जितने भी हैं उन पर थोड़ी कार्रवाई की जाए और जो पेंचेस सरपेंचेस GRs हैं उन पर भी थोड़ी कार्रवाई की जाए। तो वो कह रहे हैं जो पेंच और सरपेंच वो कह रहे हैं DC तो हमारा PA है। अच्छा, DC साहब उनका DC साहब हमारा PA है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं क्या कहना है इनका कि जो इनके सरपंचस है, ये इनका कहना है कि जो इनके सरपंचस है उनका क्या कहना था वो तो आपने सुन ही लिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर से कि वो भी थोड़ा इस चीज़ पे जो थोड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि गाँव के मसले जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसी के साथ आगे भी हम रूबरू कराते रहेंगे ऐसी खबरों के साथ, जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।